ब्रिजभूषण बनाम पहलवान के मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप दर्ज कराने वाली पीड़िताओं में से एक पीड़ित की रूममेट रही महिला पहलवान का बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़, मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के पास बयान दर्ज कराने वाली 38 साल की अनीता 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। वो अब खेल से रिटायर हो गई हैं। 28 अप्रैल को दर्ज हुई FIR में एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया था कि विदेश में एक कॉम्पिटिशन के दौरान ब्रिजभूषण ने उसे अपने कमरे में बुलाया और जबरन गले लगाया। दिल्ली पुलिस के पास दर्ज बयान में अनीता ने इन आरोपों की पुष्टि की है। जी हां, अनीता ने बताया कि पीड़िता चैंपियनशिप खेलने विदेश गई थी और उसने वहीं से फ़ोन कर उसे कुछ बताने को कहा। पीड़िता ने कथित तौर पर अनीता से कहा कि दीदी कुछ बात हो गई है, यहां मैं आपको आकर कुछ बताऊंगी, यहां कुछ बुरा काम हो रहा है। अनीता के मुताबिक पीड़िता चैंपियनशिप के बाद घर नहीं बल्कि पटियाला जाकर अनीता को आपबीती सुनाई। अनीता के मुताबिक पीड़िता ने उन्हें बताया कि उसके पास उसके फिजियो का फ़ोन आया था कि ब्रिजभूषण उसे मिलना चाहते हैं। वो कमरे में गई तो आरोपी ने उसे तुम हमारी बिटिया हो, हमारे पास आओ कहकर बुलाया और जोर से गले लगा लिया। उस घटना के बाद पीड़िता काफ़ी डर गई थी। अनीता ने दावा किया कि फिजियो बार बार पीड़िता को फ़ोन कर कहता था कि प्रेसिडेंट आपके बारे में पूछ रहे हैं और वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। अनीता ने बताया कि वो उसकी दोस्त काफ़ी परेशान थी। अनीता ने ये भी कहा कि लड़कियाँ कैंप्स में खाने की क्वालिटी के बारे में भी शिकायत करने से डरती थी, तो वो यौन उत्पीड़न के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे करती। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में 4 राज्यों से लगभग 125 गवाह शामिल हैं। 28 अप्रैल को ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी। इनमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और डराने धमकाने जैसे कथित घटनाक्रमों का जिक्र है। पहली FIR में 6 पहलवानों के आरोप शामिल है और दूसरी FIR एक नाबालिग पहलवान के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है और ये पॉक्सो एक्ट के तहत दूसरी FIR दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि ये जो अनीता का बयान आया है, जो पीड़िता की रूममेट रह चुकी है, उस बयान से ब्रिजभूषण के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़, मैं तुषार आपके साथ। धन्यवाद।